जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो, जिस पर भगवान का आशीर्वाद हो, भला उसे कौन रोक सकता है। अलवर पहुंची वसुंधरा राजे सिंधिया का उत्साह सातवें आसमान पर था। मोदी के जाने और अमित शाह के आने के बाद महारानी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिखी थी, अब उसका असर भी दिखाई देने लगा है। शाह और नड्डा से मिलकर वसुंधरा इतनी खुश दिख रही थी मानो कोई खोई चीज वापस मिल गई हो। वसुंधरा राजे अलवर जिले की बलदेवगढ़ पंचायत में सेना समाज के धार्मिक कार्यक्रम में पहुंची थी। यहां सैकड़ों लोगों के बीच पहुंची राजे ने खुलकर अपने दिल की बात की। राजे ये वादा करके भी गई कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी इस इलाके का पूरा विकास करवाएगी, कहीं से भी पैसों की कमी नहीं आने देगी। वसुंधरा राजे का भगवान पर अटूट भरोसा है। राजे पहले भी कह चुके हैं कि वो भगवान के भरोसे ही हैं, क्योंकि जो भी भगवान के भरोसे रहता है भगवान उसे भवन सागर में पार जरूर लगाते हैं। 5 साल निकल जाते हैं, परंतु उसके बाद मुझे तो विश्वास है कि सरकार हम लोगों की आएगी आएगी, और जब आएगी तो ये सब सड़के हैं, और सड़के ही क्या, इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम, और उसके लिए जितने पैसे की जरूरत होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर करने का काम करेगी। वसुंधरा राजे चुनावी साल में ही धार्मिक यात्राएं करती हैं। इस बार भी राजे ने बीजेपी के परिवर्तन संकल्प यात्रा से एक दिन पहले ही अपनी धार्मिक यात्रा की शुरुआत कर दी थी। देव दर्शन के बहाने वसुंधरा राजे लोगों के बीच पहुंच रही हैं, अपनी पहली वाली लोकप्रियता को तलाश रही है। राजे जहां भी जा रही है लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। वसुंधरा इसे आने वाले दिनों के लिए बड़ा ही शुभ संकेत समझ रही है, क्योंकि आने वाली 1 तारीख को दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। राजस्थान को लेकर दिल्ली में मंथन चलेगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की जा सकती है। इधर वसुंधरा धार्मिक कार्यक्रमों में पहुंच रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी भी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में आएंगे, जहां एक आम सभा को संबोधित भी करने का प्रोग्राम है। 7 दिन में यह दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं। इससे पहले 25 सितंबर को जयपुर में बीजेपी के परिवर्तन संकल्प यात्रा के मौके पर मोदी ने मंच से भाषण दिया था, तब वसुंधरा नजरअंदाज रही, लेकिन अब शायद मोदी जिस मकसद से फिर से राजस्थान आ रहे हैं, राज्य ने उस मकसद को पूरा करने में अभी से पूरा जोर लगा दिया है। वसुंधरा राज्य को उम्मीद है कि 25 सितंबर को ना सही तो 2 अक्टूबर को जरूर कोई शुभ समाचार मिल सकता है।